Assalamu alaikum, three class, how are you? I hope so you all are in the pink of perfection. Ji, today we are going to revise our previous lessons. The topic of revision is calendars. General knowledge, these are the things for your general knowledge. First, calendar. What is calendar? General knowledge about calendar. What is calendar? A calendar is a system of organizing days. This is done by giving names to periods of time, typically days, weeks, months and years. अच्छा जी, कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक ऑर्गेनाइज एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम डेज को ऑर्गेनाइज करते हैं. इनको एक टाइम पीरियड को डेज का नाम दिया जाता है. फॉर एग्जांपल सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडेज. ठीक है, वीक, वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर, मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, और ईयर्स, एज यू नो के 2020 आने वाला है, दिस इज ईयर. टाइप्स ऑफ कैलेंडर, इन पाकिस्तान वी यूज टू टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स. पाकिस्तान में दो तरह से के कैलेंडर हम यूज़ करते हैं, एक ग्रीगोरियन कैलेंडर और दूसरा इस्लामिक कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर. ग्रीगोरियन कैलेंडर, इट इज़ द क्रिश्चियन कैलेंडर एंड यूज्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम व्हेन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न, BCE before common era, before the birth of Christ, CE common era after the birth of Christ. अच्छा जी, ग्रीगोरियन कैलेंडर क्या है? कि ये क्रिश्चियन कैलेंडर होता है जो कि दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में, हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है. ये कब शुरू हुआ? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए. ठीक है, इसमें दो कॉमन टर्म्स यूज़ होती हैं, एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं, BCE एंड CE. BCE से क्या मुराद है? बिफोर कॉमन इरा. बिफोर कॉमन इरा से का मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. CE कॉमन इरा आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. क्राइस्ट मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. Now we have learned two things. There are two types of calendar in Pakistan. We use Gregorian calendar, Islamic calendar. Gregorian calendar क्या है? कि first इसकी characteristic क्या है? It is the Christian calendar and used in most parts of the world. Second, it start from the birth of हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी जिस डेट को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जैसे कि 25 दिसंबर को, तो यहाँ से उन्होंने हज़रत ईसा, क्रिश्चियंस ने अपना एक कैलेंडर बना लिया. इसमें टू टर्म्स यूज़ होती हैं, टू टर्म्स यूज़ होती हैं. क्या है? BC, जब हम इसके कैलेंडर के साथ डेट लिखते हैं तो BCE लिखते हैं, या CE. BCE मीन बिफोर कॉमन इरा एंड CE कॉमन इरा. अच्छा जी, सेकंड कैलेंडर इज इस्लामिक कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर. इट डेट्स फ्रॉम 622 CE, ड्यूरिंग विच टाइम द हिजरत वाज मेड बाई प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. इट इज़ आल्सो नोन एज हिजरी कैलेंडर. दिस कैलेंडर इज यूज बाई मुस्लिम्स टू सेलिब्रेट द इस्लामिक फेस्टिवल. अच्छा जी, अब सेकेंड कैलेंडर, पहला कैलेंडर कौन सा है? ग्रीगोरियन कैलेंडर, और दूसरा कौन सा है? इस्लामिक कैलेंडर.
इसको हम हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर क्यों कहते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तो उस तारीख से मुसलमानों ने इस कैलेंडर का आगाज़ किया था। इट डेट्स फ्रॉम 62 CE, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 622 ईयर्स हो गए थे जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की ही तरफ हिजरत की और ये कैलेंडर शुरू हुआ। ठीक है, ये मुसलमान इस कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं बहुत से नए फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशंस के लिए। कौन कौन से फेस्टिवल? रबीउल अव्वल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मंथ होता है, ईदुल्फ़ित्र, ईदुल अज़हा, शबे बरात, शबे मेराज एट्सेट्रा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जी, ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर के कौन कौन से मंथ्स हैं? जनवरी को हम एज एब्रीवेशन जैन लिखते हैं, फेब्रवरी फेब, मार्च मार, अप्रैल एप, मई मई, जून जून, जुलाई जून, अगस्त सितंबर सेप, अक्टूबर को ऑक्ट, नवंबर को नवम, दिसंबर को दिसम। इज़ इट क्लियर? चलिए जी, इस्लामिक कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर। फर्स्ट मंथ इज मुहर्रम सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउस सानी, रजब शाबान, रमज़ान शवाल, ज़िकत ज़ुल्कादा, ज़ुल्हिज्जा। ठीक है, चलें जी, अब आपका काम ये है कि आपने जो है ग्रीगोरियन कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर के मंथ्स औरल याद करने हैं और लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।